नमस्कार, आज मैं आपके साथ कुछी यानी मोरेल मशरूम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गुच्छी को हम कश्मीरी में कंगच बोलते हैं और ये दुनिया की सबसे महंगी मशरूम है, क्योंकि इनका फार्मिंग नहीं होता है, ये नेचुरली ग्रो होते हैं और ये आपको खाली पहाड़ी इलाकों में मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं इनका जो टेक्सचर है वो एकदम जाली जाली जैसा होता है। स्वाद में तो इनका कोई जवाब नहीं है, और साथ ही में जितनी ये स्वादिष्ट है उतनी ये हेल्दी भी है। इनमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो ये हमेशा सूखे फॉर्म में ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर मैंने 30 से 40 ग्राम मशरूम्स लिए हैं। ये दिखते में वो थोड़े हैं, पर जब आप इसको पानी में भिगो के रखेंगे तो एकदम ही फूल जाती हैं, पानी बहुत एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पहले मैं इसको एक बार पानी से अच्छी तरह से वॉश करूँगी ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसको पानी से वॉश किया है अच्छी तरह से। तो अब ये जो इसका नीचे वाला जो पोर्शन है जहाँ पर जो ज़मीन के साथ लगा होता है, तो अब हम इसको सारे मशरूम्स में ये काट देंगे। तो ये देखिए मैंने सारे मशरूम में ये जो नीचे वाला पोर्शन है काटा है। तो अब मैं इसको बिल्कुल 8 से 9 बार, या मैं आपको बोलूँगी तब तक धोना है जब तक आपको लगे कि पानी बिल्कुल साफ आ रहा है और इसकी सारी मिट्टी निकल गई है। तो मैंने यहाँ पर इसको लगभग 9 बार धोया है बिल्कुल खुले पानी से, तो तब जाके इसमें पूरी जो सारी मिट्टी है निकल गई है। अब मैं इसको आधा घंटा गर्म पानी में भिगो के रखूँगी। तो गर्म पानी में भिगोने से क्या होगा, इसमें एक तो ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा और एकदम ये फूल जाएंगे उससे। आधा घंटा हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मशरूम जो है एकदम अच्छी तरह से फूल गए हैं और सॉफ्ट भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इसका पानी निचोड़ दूंगी और जो पानी बचेगा तो वो हमें फेंकना नहीं है, उसको हम यूज़ करेंगे अपनी ग्रेवी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे मशरूम्स को हमने पानी से निकाल दिया है और यहाँ पर ऑलरेडी हमने तेल गरम करने के लिए रखा था। इसमें हम ये सारे मशरूम जो है अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं मशरूम अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसको तेल से बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे करके हम बाकी मशरूम्स भी हमने फ्राई किए हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनका कलर फ्राई करने के बाद कैसा हुआ है। यहाँ मैंने लिया आधा लीटर दही, इसमें मैं डालूंगी 3 चम्मच सौंफ पाउडर और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस की आंच मैंने बिल्कुल यहाँ धीमी रखी है। अब मैं तेल में डालूंगी तेज पत्ता, जीरा, कुटी हुई मोटी इलायची, कुटी हुई हरी इलायची, दालचीनी का छोटा टुकड़ा और हम इसको अच्छी तरह से तेल में भून लेंगे खड़े मसालों को। और साथ में मैं जो हमने दही तैयार किया है वो हम इसमें डालेंगे तेल में। आंच बिल्कुल गैस की धीमी रखनी है, वो ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो ये आप ध्यान देख सकते हैं कि इसमें ये उबल रहा है। तो मैं इसमें अब डालूंगी आधा चम्मच इसमें शुंठ पाउडर और साथ में नमक स्वाद अनुसार, और साथ में डालेंगे हम फ्राई किए हुए गुच्छी। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ में मैं हमने जो गुच्छी का पानी जो सेव करके रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। और फिर हमें इसको धीमी आंच पे ढक के पकाना है तब तक जब तक इसकी ग्रेवी गाढ़ी ना हो जाए। तो यहाँ पर लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। तो ग्रेवी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी गाढ़ी हो चुकी है। तो हमारी यखनी ऑलमोस्ट तैयार है। तो हमने यहाँ पर देसी घी ऑलरेडी गरम करके रखा था, उसमें मैंने डाला था कसूरी मेथी डाला है। तो अब वो हम तड़का डालेंगे यखनी के ऊपर। तो हमारी गुच्छी यखनी तैयार है। अब हम गैस की आंच करेंगे बंद और इसको हम 1 मिनट ढक कर रखेंगे। तो यहाँ 1 मिनट हो चुका है। तो ये देखिए गुच्छी यखनी हमारी तैयार है खाने के लिए।
तो हम खाते हैं इसको गर्मा गर्म चावल के साथ। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।